भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कहता है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स को फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं दिया गया था। भारत में 1975 से 77 के बीच में इंटरनल इमरजेंसी ऑपरेशन के दौरान स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। साल 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में केवल एक आर्टिकल का बात कहता है 51A, जिसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कहा जाता है, लाइक टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, यानी संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, यानी देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण रखना, टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल, सभी लोगों के साथ आपसी भाईचारे की भावना को प्रमोट करना, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर एंड सो ऑन, यानी हमारे संस्कृति, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की समझ और उसे परीक्षण करना। लेकिन जब हम अपने फंडामेंटल राइट्स को इंजॉय कर रहे होते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज एक रिमाइंडर की तरह काम करता है कि हमें अपने कंट्री, सोसाइटी और अपने फेलो सिटीजन्स के प्रति कुछ कंसीशियस ड्यूटीज़ भी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ DPSP की तरह से नॉन जस्टिसिएबल नेचर का होता है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता, यह परिवर्तनीय नहीं है।